Hi everyone, welcome back to my channel. This is Fashion Your Chetna. In this video, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे आप ब्यूटी ब्लेंडर से मेकअप कर सकते हैं. यू नो, बहुत सारे लोगों को बहुत डाउट रहता है कि ब्यूटी ब्लेंडर से मेकअप कैसे करें. हम यूज़ करते हैं तो हमारा मेकअप जो है अच्छा नहीं दिखता है, फाउंडेशन अनइवन दिखता है. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क के आंसर मैं आप लोगों को आज दूंगी कि आप कैसे ब्यूटी ब्लेंडर से एक अच्छे और सिंपल तरीके से मेकअप कर सकते हैं. तो गाइज, मेरे वीडियो के साथ में स्टार्ट करते हैं. अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो, आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो, तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना. तो गाइज, मेरे वीडियो के साथ में स्टार्ट करते हैं कि मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर से मेकअप कैसे कर. सो गाइज, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आपको जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो बहुत अच्छा यूज करना चाहिए. जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर आप ब्रांडेड ब्यूटी ब्लेंडर परचेस करने का सोच रहे हो तो पैक के और नायका की भी ब्यूटी ब्लेंडर है जो नायका पे अवेलेबल होते हैं, तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हो. नायका का जो ब्यूटी ब्लेंडर है आपको अंडर 400 मिल जाएगा और पैक का जो है अंडर 600 मिल जाएगा. तो और आप चाहते हैं कि हमें इतना ब्रांडेड ब्यूटी ब्लेंडर नहीं परचेस करना है, आप बिगनर्स हो या आप ब्यूटी ब्लेंडर को जस्ट यूज़ करके देखना चाहते हो, या आप सोच रहे हो कि हमें कोई ऐसा सस्ता सा छोटा मोटा ब्यूटी ब्लेंडर मिल जाए जिससे हमारा मेकअप अच्छा हो जाए, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप अमेजोन से परचेस कर सकते हो. वहाँ पे अंडर 150 काफ़ी सारे ब्यूटी ब्लेंडर अवेलेबल होते हैं, या फिर आप लोकल मार्केट से भी परचेस कर सकते हो. वहाँ पे अंडर 100 आपको काफ़ी सारे ब्यूटी ब्लेंडर मिल जाएंगे. अब आती है सेकेंड बात कि आप ब्यूटी ब्लेंडर कैसे देख के परचेस करें. बेशक अगर आप लोकल मार्केट से ब्यूटी ब्लेंडर परचेस कर रहे हैं तो आपको ब्यूटी ब्लेंडर की सॉफ्टनेस देख के उसे परचेस करना है. बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लेना, अगर आप हार्ड लोगे तो वो अच्छे से ब्लेंड करने में आपको प्रॉब्लम देगा. बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं लेना, आपको एक मीडियम ब्यूटी ब्लेंडर लेना है. तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगी कि आप किस टाइप से ब्यूटी ब्लेंडर परचेस कर सकते हो, मेरे पास में कौन कौन से हैं. यहाँ पे मेरे पास एक बॉक्स है, मैं इस टाइप के बॉक्स के अंदर अपने सारे ब्यूटी ब्लेंडर को रखती हूँ अच्छे से वॉश करके. तो सबसे पहले मैं आपको जो ब्यूटी ब्लेंडर दिखाने जा रही हूँ वो मैंने नायका से परचेस किया. इसकी सॉफ्टनेस आप देख सकते हो, ये इस टाइप से एकदम बिल्कुल सॉफ्ट भी नहीं है, बट हाँ इतना सॉफ्ट है कि मैं इसको अच्छे से प्रेस कर सकती हूँ. सेकंड ब्यूटी ब्लेंडर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जो कि मैंने लोकल मार्केट से परचेस किया है, वो देख सकते हो आप, वो भी नायका वाले की तरह इस तरह से ही सॉफ्ट है. ये मैंने 120 रुपीज़ में परचेस किया. थर्ड ब्यूटी ब्लेंडर अगेन मैं आपको दिखाऊंगी, ये भी मैंने लोकल मार्केट से परचेस किया, ये 60 रुपीज़ का है. और बाकी जो मेरे पास में छोटे छोटे हैं वो पैक के हैं, वो मैंने 275 में नायका से परचेस किए हैं. तो ये आपके अंडर आई एरिया पे अप्लाई करने में यूज होता है. तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो ब्यूटी ब्लेंडर है आप जब यूज करो तो इसे ड्राई यूज नहीं करना है. बेशक मैं आप लोगों को डेमो दिखाऊंगी कि ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर से कैसा मेकअप होता है और वेट ब्यूटी ब्लेंडर से कैसा मेकअप होता है. तो ये थे मेरे ब्यूटी ब्लेंडर अंडर 400, आप नायका से, अमेजोन से या लोकल मार्केट से परचेस कर सकते हो. अब ब्यूटी ब्लेंडर जो होता है वो सॉफ्ट होता है, उसको वेट करके फिर आपको मतलब पानी में डिप करके उसको वेट करके और आपको ब्यूटी ब्लेंडर से मेकअप करना होता है. मैं यहाँ पे आप लोगों को डेमो दिखाऊंगी कि आप वेट ब्यूटी ब्लेंडर से और ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर से मेकअप कर सकते हैं, लेकिन दोनों में कितना डिफरेंस होता है. तो गाइज, मेरे वीडियो के साथ में कंटिन्यू बने रहिए और देखिए कि ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर से कैसा मेकअप होता है और वेट ब्यूटी ब्लेंडर से कैसा मेकअप होता है. मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पैक फाउंडेशन, इसे मैं अपने बैकहेंड पे लूंगी और एक ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसे ब्लेंड करते हुए अपने फेस पे अप्लाई करूंगी. फेस पे मैंने फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले प्राइमर अप्लाई कर रखा है. अब आप देख सकते हैं मैं ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर से सबसे पहले फाउंडेशन को ब्लेंड करके लगा रही हूँ, तो मुझे थोड़ा ग्रीसीपन लग रहा है, फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रहा है मेरी स्किन के अंदर, आप देख सकते हैं. जब हम ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करते हैं तो उसकी ब्लेंडिंग पावर जो होती है वो कम होती है. आप देख सकते हैं कितना अनइवन और ग्रीसी लग रहा है, एकदम स्किन में अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रहा है और ब्लेंड करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा हार्ड सरफेस लग रहा है मुझे अपने फेस का. आप क्लोजली देख सकते हैं कि मुझे थोड़ा ग्रीसी लग रहा है, इवन सरफेस नहीं लग रहा है. तो आपको जो है ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ नहीं करना है. अब मैं यहाँ पे एक बाउल लूँगी, उसके अंदर मैंने पानी लिया है और अपने सेम ब्यूटी ब्लेंडर को पानी के अंदर डिप कर दिया है. सारा पानी जो है इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, इससे ये वेट बन जाएगा. अब मुझे ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से प्रेस करके सारे वाटर को निकाल देना है. उसके बाद में वेट ब्यूटी ब्लेंडर जो होगा सेम फाउंडेशन को अब मैं बैकहेंड पे लूंगी और अपने फेस पर अगेन अप्लाई करूंगी दूसरी साइड पर.
अभी मुझे ब्लेंड करने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत स्मूथली ब्लेंड हो रहा है फाउंडेशन मेरी स्किन के अंदर, आप देख सकते हैं। तो हमें जो है हमेशा वेट ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज़ करना चाहिए, ये बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है स्किन में, फाउंडेशन जो है बहुत अच्छे से सेट होता है, कोई अनइवन नहीं लगता है। यहाँ पे जो है आप लोग डिफरेंस देख सकते हो, एक साइड में मैंने ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया था और दूसरी साइड में मैंने वेट ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया था, तो दोनों में डिफरेंस जो है आप देख सकते हो। वेट ब्यूटी ब्लेंडर वाली साइड काफ़ी स्मूथ दिख रही है और इवन दिख रहा है। अब ये 2 मिनट बाद का वीडियो है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फाउंडेशन किस तरीके से ब्लेंड हुआ है। सो गाइस, ये था मेरा एक डेमो कैसे आप ब्यूटी ब्लेंडर को यूज करते हो। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप ब्यूटी ब्लेंडर को कैसे यूज कर सकते हो फाउंडेशन के साथ में। अब मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूंगी कि जब भी आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज करें, मेक श्योर आप उसे अच्छे से क्लीन करके अपने किट में रखें। जब आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर रहे हो तो 1, 2, 3 टाइम यूज करने के बाद में आप इसको अच्छे से वॉश करके अपना जो भी किट है उसमें रखें। आप बेशक इसका जो कवर आता है इसके साथ में आप वो रखें, अगर आप लोकल मार्केट से परचेस कर रहे हो तो उसमें भी कवर मिलता है आपको, तो उसके अंदर रख सकते हो। नहीं तो इस टाइप का किट जो है आप घर पे बना सकते हो। मैंने मेरी रिबॉक की वॉच का किट था उसको अच्छे से क्लीन करके उसमें प्लास्टिक लगा दिया ताकि इसका जो आयरन होता है वो मेरे ब्यूटी ब्लेंडर को खराब ना करे, इसलिए मैंने इसमें प्लास्टिक लगाया। देन मैं इसमें अपने सारे ब्यूटी ब्लेंडर जो है मैं रखती हूँ। तो इस तरीके से आप लोग भी रख सकते हो एक सेफ तरीके से। नहीं तो आपको अमेजोन माइका पे किट भी मिलता है इसका ब्यूटी ब्लेंडर का, लाइक 700 का मिलता है, तो मुझे इतना मनी वेस्ट नहीं करना था तो मैंने घर पे ही ऐसा किट बना लिया, तो आप रख सकते हो। तो गाइस, ये था मेरा ब्यूटी ब्लेंडर का वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं वो मेकअप करने का सोच रहे हैं या मेकअप करना चाहते हैं बट उनसे फिनिश वाला मेकअप नहीं होता है, तो इस वीडियो के साथ में जो है वो एक अच्छा फिनिश मेकअप रेडी कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय।